खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। उधर कैसरगंज में जब यूपी के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री वोट डालने के लिए पहुंचे तो ईवीएम खराब मिली। फिलहाल ईवीएम बदले जाने का इंतजार हो रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि पहली ईवीएम मशीन खराब होने की खबर वोटिंग शुरू होते ही आधे घंटे बाद आ गई है। यूपी के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री से मेरे सहयोगी ने बातचीत की है, जरा आप सुनिए। उत्तर प्रदेश में 7 बजे के साथ मतदान शुरू होने के साथ ही ईवीएम खराब होने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया। इस वक्त हम केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर ये बूथ आप देख सकते हैं। दरअसल ये विष्णुपुर का बूथ है, जहां पर खुद जो मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी प्रत्याशी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका वोट है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री हैं शास्त्री जी, उनका भी यहाँ पर वोट है और वो खुद वोट डालने के लिए पहुंचे। सर, आप यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्या सूचना मिली, ईवीएम में क्या दिक्कत आई? बता रहे हैं खराबी आ गई है, तो मशीन है, खराबी आ जाती है, अभी ठीक हो जाएगी फिर वोट पड़ेगा सर। तो अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि मंत्री जी इंतजार में खड़े हुए हैं कि ईवीएम ठीक होनी चाहिए। नहीं, ठीक हो जाएगी। क्या लगता है, जिस तरीके से ईवीएम में जो खराबियों की शिकायतें आती हैं, दिक्कतें होती हैं, इससे कहीं ना कहीं मतदाता जो है वो थोड़ा सा, अगर ज्यादा समय तक ईवीएम खराब रहती है तो उससे दिक्कतें होती हैं, मतदाता वापस लौट जाते हैं कि ज्यादा समय तक ही खराब होगी, व्यवस्था होगी हमको लगता है। सारी व्यवस्था फटाफट हो रहा है, देखिए आपके सामने। तो शायद मशीन भी आ गई है, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि जो यहाँ पर वोट डालने के लिए उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री जब पहुँचते हैं तो ईवीएम खराब मिलती है और इसीलिए फिलहाल ईवीएम के रिप्लेस होने का वो इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, कैसरगंज।